हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पीछे कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये वाइट जो पूरे अभी रांची में फैले हुए हैं, हमारे घर के आसपास भी हैं, ये बड़ी बड़ी घास है और इसमें ये वाइट वाइट निकले हुए हैं। इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, नाम पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और हमारे घर के आसपास ये पूरे फैले हुए हैं खेतों में, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और कल है यहाँ पे करम पूजा और उसमें इसका विशेष महत्व होता है। इसे तोड़ के ले जाते हैं और पूजा करते हैं और लड़कियाँ जो हैं वो अपने बालों में इसे लगाती हैं। और झारखंड में आदिवासियों की ही जगह है, मूल जगह है उनका। जो इसके यहाँ के मूल निवासी हैं वो आदिवासी हैं और वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो जब भी उनका कोई फंक्शन फेस्टिवल होता है तो उसमें प्रकृति से जुड़ी चीज़ों का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये जो अभी घास है उसका भी इस्तेमाल होगा करम पूजा में। और अगर मुझे वो क्लिप मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ़िलहाल तो मैं इसका मज़ा ले रही थी नज़ारे का। और यहाँ पे देखिए तालाब में लोग लगे हुए हैं मछली पकड़ने में। उन्होंने अपने अपने कांटे डाल रखे हैं और फिशिंग का मज़ा उठा रहे हैं। और ये गौ माता रोज़ ही आ जाती है मेरे दरवाजे पे रोटी खाने के लिए, तो मैं इन्हें रोटी खिला रही थी। और रोटी खिलाने के बाद ही मैं गई थी दूध लाने के लिए। जैसे ही मैं कैन लेकर नीचे उतरती हूँ तो उसी तरह आगे में ही गेट के सामने ही ये खड़ी रहती हैं, तो मैं रोटी लेकर जाती हूँ उन्हें खिलाने के बाद, फिर दूध लाने जाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम के नाश्ते में मैं बना रही हूँ चूड़ा फ्राई, जिसे पोहा भी बोलते हैं। तो चूड़ा फ्राई मैंने यहाँ पे पहले बादाम को फ्राई कर लिया था और उसके बाद मेरा चूड़ा फ्राई हो गया है। और अब मैं दोनों को मिक्स कर दूँगी, डालूँगी थोड़ा सा हल्का सा नमक और उसके बाद हमारा चूड़ा फ्राई तैयार हो गया है। इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं और अगर उसका टेस्ट आप बढ़ाना चाहें तो उसमें थोड़े से भुने हुए चने, थोड़ी सी नमकीन और थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दीजिए। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है खाने में। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ खा लीजिए ये चूड़ा फ्राई, नमकीन, टेस्टी एंड यम्मी। और ट्विंकल के बालों की ऑयलिंग हो रही है यहाँ पे और उसे रात में ही याद आता है। जब भी उसे बालों में ऑयलिंग करवानी होती है तो वो दिन में बिल्कुल भी नहीं बोलती है, रात में ही बोलती है। और रात में तो आपको पता है फ्रेंड्स कि कितने सारे लेडीज़ के लिए कितने सारे काम हो जाते हैं, खाना बनाना और भी बहुत सारे काम रात में एक्स्ट्रा ही रहते हैं। और मैंने तो यहाँ पर घी भी चढ़ा दिया था पकने के लिए, मक्खन निकाला था मैंने और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था कि मेरा घी निकल जाए। और तब तक मैं चली गई थी उसके बालों की ऑयलिंग करने के लिए। तो मेरा यहाँ पे घी भी पक रहा है और उसके बालों में तेल लगाने के बाद फिर मुझे उसकी ड्रेस भी आयरन करनी थी। तो बस मैं फिर रात में ही यहाँ पे आ गई थी ड्रेस आयरन करने। और इसके बाद मुझे फिर रोटियाँ भी बनानी थी, सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी और अब रोटियाँ भी बनाऊँगी मैं। तो कितने सारे काम हो जाते हैं, हमें जैसे लगता है कि काम निपट ही नहीं रहा है, ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। एक काम ख़त्म करो और दूसरा लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने काफ़ी छोटी सी बनाई है और ये दो दिन की क्लिप ऐड करके मैंने बनाई है क्योंकि बहुत सारा काम हो गया है मुझे, तो मैं वीडियो पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जल्द ही मैं रेगुलर करूँगी।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।